हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जीके के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, एजोला क्या होता है? तो एजोला एक तरह का जैव उर्वरक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर है बी, आसाम की। नेक्स्ट है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सल्तनत काल के सिक्के, टक्का, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो ये चांदी और तांबे के बने हुए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है सी, स्पाइस जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? तो भारत में सबसे ज्यादा अधिक होती है गन्ना। तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया, तो उन्होंने क्या स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज की थी अगर हम यहाँ पे बात करें डब्ल्यू.के. रोएटजन ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, हिंदू धर्म। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो वो चलाया था रामानंद ने। तो ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर है बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क किसके मानक की गारंटी होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, गुणवत्ता की। नेक्स्ट है, मृत घाटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कैलिफोर्निया में। तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी में स्थित है? तो ये बेतवा में स्थित है। तो बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर है सी, जो कि है नौवा मंडल। इसके ऊपर भी मैंने आपको 20 डे सीरीज में पूरा बता दिया है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। और बाद में मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उन पे भी आपको वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सतलज नदी पर। तो ये यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर का लेखक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सी, किरण वेदी। नेक्स्ट है, केंद्रीय सचिवालय की औपचारिक रूप से कब स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो राइट आंसर है सी, हथकरघा उद्योग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बी, क्लोरीन। नेक्स्ट है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ए, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, सुदूर संवेदन यानी सेंसिंग। नेक्स्ट है, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये। तो राइट आंसर है डी, बिहार से। मधुबनी पेंटिंग बिहार की फेमस है। नेक्स्ट है, गैलेना एक खनिज है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, जेम्स वॉट द्वारा। नेक्स्ट है, आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जो कि है जिंक का। नेक्स्ट आते हैं, महमूद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राणा कुंभा ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती? तो इसका राइट आंसर है ए, किसी मंत्री के परित्याग से। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ए पक्षाब मेघ। नेक्स्ट है प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो इसका राइट आंसर है ए कांच से जल की तरफ। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? रोमांटिक विद लाइफ देवानंद, ब्लॉसम फ्रॉड, द डस्ट आर के पचौरी, एशियन ड्रामा, विक्रम सेठ, लज्जा, तस्लीमा नसरीन। तो हमें इसमें से देखना है कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एशियन ड्रामा, विक्रम सेठ की नहीं है। नेक्स्ट है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी राजा राममोहन राय की। नेक्स्ट है सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती हैं? प्रकाश वोल्टेयर प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश चाल के प्रभाव या फिर प्रकाश संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर है ए प्रकार वोल्टीय प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त का वर्ग क्या होना चाहिए? तो उसका रक्त का वर्ग होना चाहिए AB। नेक्स्ट है बुशमेन, बद्दू आदि जनजातियां किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं उष्ण मरुस्थल में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से 1928 के नेहरू समिति के सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर है इसके सदस्य सर अली इमाम, कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस और एन एन जोशी, ये चारों ही थे। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राइट आंसर है बी 1/3। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस किस महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी मई महीने के दूसरे रविवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं रेयॉन के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो कि है सेलुलोज। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है सी जो कि है सौर लालटेन। नेक्स्ट है वराह मिहिर कौन है? तो इसका राइट आंसर है ए खगोलज्ञ है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सी 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद में इसका शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट है गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है बी ये हमारा आलू उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? बहुत ही सिंपल है, आपको पता होगा इसका आंसर राजा राममोहन राय के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। और अगर हम बात करें विधवा प्रथा की तो उसके लिए थे वहां पर ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? एक प्रसिद्ध। तो इसका राइट आंसर है सी ये एक भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट है लैपिस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए ये एक कार्स्ट की स्थलाकृति है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो स्थापित हुआ था नई दिल्ली में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बद्रीनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर है बी भगवान विष्णु को। नेक्स्ट है भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी बहुत ही सिंपल लू कहा जाता है जो ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट है बाजार कीमत किससे संबंधित है? तो बाजार कीमत संबंधित होता है अत्यधिक अल्प अवधि में। तो ऑप्शन ए राइट है। अत्यधिक अल्प अवधि में जो भी चेंजेस आते हैं बाजार में रुपयों को लेकर, उनकी कीमत को लेकर, वो बाजार कीमत कहलाती है। तो ए राइट आंसर है। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर कोई भी टॉपिक आपको लगता है नहीं हुआ है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा और कुछ और आप न्यू चाहते हैं तो उसको वो ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगी मैं उस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन या फिर कंटेंट प्रोवाइड कराने की। और कॉमर्स के लिए आप कॉमर्स MCQ चैनल पे जाके कॉमर्स की वीडियोस वहाँ देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, अपने क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।